जवान रिलीज हुई है काफी दिनों बाद, शाहरुख खान का ऐसा तरफ उनके साइड से कुछ देखने मिला, देसी मसाला मास। आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा पूरा, आप दोनों से जानना चाहेंगे? इट्स अ वेरी वेरी सुपर वेरी टाइमली क्वेश्चन ऑन हिज बर्थडे। अरे नहीं, इट्स अ सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म, मजा आ गया पिक्चर, मजा मतलब मजा आ गया। और कलेक्शंस देख कितने अच्छे कलेक्शंस हैं, रिकॉर्ड भी तोड़ा है सर, फर्स्ट डे कलेक्शन। हां बट वो अभी रिकॉर्ड अभी फाइनली अल्टीमेटली पिक्चर लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, लोगों को अच्छी लगती है, मजा आता है पिक्चर से, थिएटर से बाहर निकलते आप लोगों से पैसा वसूल है। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जिसने जवान देखी या पठान देखी या गदर देखी जो बाहर आके नहीं बोले कि पैसा वसूल नहीं हुआ। आई एम डायरेक्टिंग नाउ, इट टेक्स टाइम बट आई एम डायरेक्टिंग इट। खुद आए नहीं नहीं, मैं इसको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा बहुत जल्दी, इसके लिए मैं किताब खरीदूंगा, किताब सवाल मुझे ना थोड़े, इसके लिए किताब मैरिज ब्यूरो की किताब। ये स्पेशल इसीलिए कि पहले के बर्थडे ना मैं सपने देख रहा था, अभी पूरे होने के बाद मतलब आधे जो दो तीन सपने जो पूरे और विशलिस्ट जो पूरी हुई उसके बाद का मेरा पहला बर्थडे, और मुझे नए नए दोस्त मिले, नए नए लोग जो समझाने वाले साजिद सर है और बाकी जितने लोग हैं इंडस्ट्री के जो सच्चे इंसान भी है, मतलब एक्टर और कलाकार के साथ साथ सच्चे इंसान भी, वो लोग मिले मुझे। तो ये बर्थडे सच्ची में स्पेशल है कि आपको जब आप सपना देखते हो महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी जाने, फिर आपको इंडिया जानने लगता है, आप सब लोग प्यार करते हो और आप सबके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा स्पेशल। जब मेरा तो फर्स्ट डे से ही था कि मेरे को तो दिल से मतलब चाहिए था कि शिव जीते, स्टैन जीते, अब्दू जीते, मंडली में से कोई भी जीते, हम लोग को ऐसा लगा था हम लोग जीत गए। और मंडली हम लोग ने वर्ड रखा भी नहीं था, पहले भी बोल चुका हूँ, ये अर्चना ने रखा था जो पॉपुलर हो गया वर्ड। एक्चुअली हम लोग रूम ऑफ सिक्स थे एंड वी वर ऑल आई थिंक डिसफंक्शनल इन आर ओन वेज, बट वी वर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, वी हैड फन एंड वी वर ऑलवेज स्टैंडिंग विद ईच अदर। आई थिंक एज अ गेस्ट हम थोड़े 15-20 मिनट के लिए जा सकते हैं, एज अ गेस्ट जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वापस रह सकते हैं। नहीं रहना, ये रह सकता है, मेरा तो वो अन्नदाता है मेरे, मतलब वो गॉड नहीं, नहीं। मेरे इससे पूरा मतलब हर रीजनल लैंग्वेज में भी खत्म करेगा, जीतेगा। अरे ऑलमोस्ट जीत गया था ये, बट हम लोग को खुश हुई स्टैन जीता, स्टैन भी अपना भाई है। बिग बॉस की बात आई है तो फिर अर्चना और प्रियंका के बीच में काफी विवाद हुआ। कुछ नहीं हुआ यार, कुछ बर्थडे के दिन हुआ, हाँ वो हमें भी थोड़ा पूरा पता नहीं, बट सर छोटी सी बात है पता है वो, मतलब एक तो वो अर्चना सच्ची में इमोशनल है थोड़ी, वो होता ना कि पॉजिटिव फ्रेंडशिप वो वाला जोन है उनका, 8-10 दिन में दोनों साथ में आ जाएंगे। अच्छा साथ ही साथ अंकित का भी उसमें स्टेटमेंट आया था कुछ, यार मुझे सच्चे में नहीं पता, मेरा बर्थडे ना मैं फोकस करूँ गिफ्ट पे, यू नो आई वॉच भी मिली मुझे गिफ्ट। अच्छा वॉच मिली, गणपति बप्पा। चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, को बताओ इधर हम अपना टाइम चल रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है फ्यूजर, फ्यूजर इधर इधर आ जाइए ना भाई, यहाँ पे आजी ना,